वेलकम टू चॉकलेट गेमिंग। तो आज हम बहुत टाइम के बाद आ चुके हैं दोबारा कस्टम लेके। तो कस्टम तो डेली होता था लेकिन वीडियो नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 64 प्लेयर हैं, बिकॉज़ बहुत सारे प्लेयर्स PMCO खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं आज प्लेन किस तरफ से जाता है और किस टाइम की फाइट हमने देखने को मिलेगी। पहले तो प्लेन जा रहा है मेल्टा पावर की तरफ से, क्वेरी के ऊपर से। देखते हैं कौन कौन सी टीम कहाँ जाती है। 2 vs 4 भी है, 1 vs 4 भी देखने को मिलेगा हमें। पहले तो हमारा रूम जल्दी फुल हो जाता था 5 मिनट्स में। तो शायद वीडियो नहीं आ रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये आप मेल्टा पावर में आई है टीम नंबर 1। इनके बाकी के प्लेयर अभी तक ने जंप नहीं किया है, ये अकेले ही प्लेयर हैं जो मेल्टा पावर आए हैं। चलते हैं लिपवोका में टीम नंबर 12 के पास, SG रोर OP। तो यहाँ पे इनकी टीम के प्लेयर भी PMCO खेलने गए हुए हैं, ग्लिफिट लिनिक्स। तो जब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम मनी गिव अवे लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, विनिंग प्राइस। उम्मीद है बहुत सारी टीम्स आएगी और भी बहुत सारे होंगे प्राइजेस, जल्दी अनाउंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे टीम नंबर 6 भी है, चलते हैं टीम नंबर 6 के पास। थ्रोन्स रिजार्ट 8C7662। ये वाला सूट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन मेरे को मिलता ही नहीं है। मेरे पास है ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं टीम नंबर 13 के पास। जो अकेले प्लेयर है अपनी टीम के, तो इनके आगे टीम नंबर 13 है, सॉरी 12 है। देखते हैं पहले हमें किस टीम की फाइट देखने को मिलती है। तो वहीं पे स्कूल की तरफ भी बहुत सारी टीम्स हैं। चलते हैं टीम नंबर 25 के पास, राणा और आरबी हंटर। तो इन ये दोनों ही प्लेयर हैं, तो इनके आगे टीम नंबर 4 है, ये और TLC मैडमैक्स वॉलब्राइन। तो वॉलब्राइन को यहाँ पे बहुत डैमेज दिया है राणा ने। तो वहीं पे टीम नंबर 3 भी है 5 मिनट्स में, चलते हैं आरबी हंटर के पास। तो आरबी हंटर ने यहाँ पे बहुत अच्छा नॉक किया है TLC को शॉट गन से, तो शायद उनको फिनिश करेंगे। तो पिस्टल से फिनिश कर रहे हैं ये मैडमैक्स को, इनके पास फिलहाल गन नहीं है तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। वहीं पे राणा भी नॉक है, इनको राणा के पास जाना चाहिए उनको रिवाइव देने के लिए। चलते हैं टीम नंबर 4 के प्लेयर के पास, वॉल्फाइन। तो इन्होंने नेड निकाला है, तो नीचे नेड कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। चलते हैं एक बार राणा की टीम के पास कि वो कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे इनको रिवाइव मिल जाएगा इजीली। चलते हैं टीम नंबर 12 के पास, SG रोल OP। तो इन्होंने सपोर्ट कर लिया टीम नंबर 6 यहाँ पे। तो अमन सोनी को यहाँ पे डैमेज दिया है रोपी ने। यहाँ पे देखते हैं कौन सा प्लेयर नॉक होता है और फिनिश होता है। और इनके आगे 2 vs 4 है, चलते हैं वॉल्फ्राइन के पास एक बार। तो वॉल्फ्राइन के पास यहाँ पे AKM है और उजी है, टीम नंबर 25।
यूएमपी टॉमी। चलते हैं टीम नंबर 3 के पास, हो स्लेयर। तो यहाँ पे अल्फा ब्लेज ने आरसी को डाउन किया है। चलते हैं एसजी की टीम के पास, उनकी फाइट हो रही है। अल्फा ब्लेज ओपी। तो यहाँ पे आरबी हंटर ने वॉल्फ्राइन को फिनिश कर दिया है, उनकी टीम वहीं पे एलिमिनेट हो चुकी है। टीम नंबर 4 एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पे एक्सट्री वरियर नॉक होते हैं। चलते हैं एक्सट्रीम की एक्सट्री की टीम के पास, यहाँ पे वरियर इनके नॉक हैं। सावेज तो वैनम ने यहाँ पे नॉक कर दिया अल्फा ब्लेज को नेट से। चलते हैं एक बार टीम नंबर 12 के पास, तो बचते हैं एसजी रोरोपी अकेले प्लेयर। तो रोरोपी ने ट्रॉन लिजार्ड को यहाँ पे नॉक किया है। तो राणा को अवैन ने नॉक कर दिया वहीं पे, तो नीचे आ चुके हैं रोरोपी। तो ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ट्रॉन्स को नॉक फिनिश करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पे राणा फिनिश हो चुके हैं। एक्सट्री वैनम भी नॉक होते हैं टीम सीपीडी फेज ओपी की तरफ से। तो यहाँ पे रोरोपी ने वैनम मुकुल ये वैनम को भी नॉक कर दिया। मुकुल नहीं है ये, कोई और प्लेयर है। ये ब्री फायर में लेने की कोशिश कर रहे हैं इनको। तो यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। इस प्लेयर के पास 3 किल्स आ चुके हैं। चलते हैं एक्सट्री की टीम के पास, सिर्फ इनका एक ही प्लेयर अलाइव है अभी, एक इनका नॉक है। तो एक्सट्री की टीम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। ये दूसरे एक्सट्री की टीम है, तो इनको बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। एक्सट्री हंटर नॉक हो चुके हैं। वहीं पर टीम सीपीडी पे ओपी को भी नॉक किया था, लेकिन स्नाइपी खुद नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 16 से फाइट लेते लेते तो वहीं पे शेडो को नॉक किया है। चलते हैं टीम नंबर 2 के, डीएमएक्स राजपूत के पास। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी टीम यहाँ पे एलिमिनेट कर दी है। टीम नंबर 12, सॉरी 12 नहीं थी टीम, वो 16 टीम थी। टीम सीपीडी फेज ओपी गोलराज उमरेन ओपी शेडो, तो उनकी टीम यहाँ पे एलिमिनेट हुई है। चलते हैं टीम नंबर 12 के पास, रो रोपी का नाम ही था हमारे आगे। इन्होंने बहुत अच्छा किया, 1v3 किया है यहाँ पे आज, तो अच्छा खेले हैं ये टीम। मैडक्स क्रिशन अकेले ही प्लेयर हैं अपनी टीम के, जो तो अलग खेल रहे हैं अपनी टीम से। चलते हैं एक्सट्री की टीम के पास, स्नाइपी यहाँ पे हील कर रहे हैं खुद को, जो नॉक हो चुके थे। फिलहाल इनकी टीम पूरी की पूरी अलाइव है। चलते हैं हो की टीम के पास, हो स्लेयर निश रॉकर्स आवे। तो यहाँ पे इन्होंने राणा की टीम को यहाँ पे फिनिश किया है, जो दोनों ही प्लेयर थे। तो ये टीम अपार्टमेंट अपार्टमेंट में से यहाँ पे आ चुकी है स्कूल में। आवेन ने राणा को फिनिश किया था। चलते हैं टीम नंबर 8 के पास, यहाँ पे योद्धा एम के जी है। ये भी 2 ही प्लेयर अपनी टीम के, एक प्लेयर को देखते हैं टीम नंबर 7 के, जो अकेले प्लेयर है अपनी टीम के, जोन की एज पे है। चलते हैं एक बार टीम नंबर 12 के प्लेयर के पास, एसजी रोरोपी। तो इनके आगे 1 प्लेयर है सिर्फ अपनी टीम का, जो मैडक्स क्रिशन है। देखते हैं क्या ये मारते हैं उनको, तो अगर वो रुके तो इनको आसान होगा उनको किल करना। देखते हैं मैडक्स क्रिशन को, वो रुक चुके हैं शायद। तो ये निकल चुके हैं लिपोपका में से। वहीं पे ब्रिज पे चलते हैं टीम नंबर 5, डीएस की टीम, सी फॉर डेविल। तो ये टीम ब्रिज क्रॉस करके इधर आई है। जॉर्ज वाली टीम के पास चलते हैं, टीम नंबर 22 के पास। एमटीएस आर्यन ओपी, एमटीएस आर्यन ओपी ओके। तो 1947 निखिल आई एम न्यू बैन की टीम में। तो टीम नंबर 19 के पास चलते हैं कि वो कहाँ पे है।
वॉल्फ ब्लड वाइट हॉक ड्रो ना सुचल टू इट अपनी टीम के प्लेयर को लेने जा रहे हैं। चलते हैं 17 टीम के पास। सुनीता 9906 तो शायद ये लड़की है। तो ये जॉर्जो सिटी में लूट कर रहे हैं। ये अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर हैं। तो यहाँ पे बचते हैं 47 प्लेयर्स अलाइव। चलते हैं एक बार डीएन सरदार के पास। चलते हैं टीम नंबर 24 के पास, शायद हमें उनकी फाइट देखने को मिलेगी। 1947 बाबूराव, 1947 एकलव्य एस की टीम में आज ये टीम 1947 की टीम आज एस की टीम में आई हुई है। एस ड्रैक एस वलक तो ये अलग है शायद, एकलव्य और ये और एस की टीम अलग है। इनके आगे टीम नंबर 2 है, ड्रैक ने नेट निकाला हुआ है। वलक के पास चलते हैं। तो वलक को यहाँ पे उजी से बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। तो ये स्कॉट हाउस में है तो नेट निकाला है ड्रैक ने। चलते हैं टीम नंबर 2 के पास। X3 स्नाइपी DMX राजपूत, DMX राजपूत दूर से सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो एक्सट्री स्नाइपी जा चुके हैं उनके स्क्वाड हाउस में। उन्होंने स्मोक्स की है वहाँ पे जाने के लिए अंदर, ताकि स्नाइपी को कवर दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके टीम नंबर 24 के प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वाइट हॉक ड्रोनर ने 1947 निकल को यहाँ पे नॉक किया है। तो यहाँ पे एक्सट्री हंटर नॉक हो जाते हैं, वहाँ पे एस ट्रैक भी नॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया एक्सट्री हंटर को। तो एस वल्लक पे शॉट्स लिए थे लेकिन वो नॉक हो चुके हैं। तो दोनों प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर, तो यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है इनको। ये ऑल पे आवाज आ रही है भाई, वो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आ चुकी हैं टीम नंबर 5 के प्लेयर। यहाँ पे इस वाले की टीम एलिमिनेट हो चुकी है। इनके सिर्फ ये दोनों प्लेयर हैं 1947 की टीम के। ये थोड़ा अलग अपनी टीम से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हो स्लेयर को फिनिश किया गया है। चलते हैं हो की टीम के पास, हो आर्मी। तो इनकी थोड़ी टीम अल दूर है। चलते हैं दोबारा टीम नंबर 5 के पास, जो थर्ड पार्टी करने आ चुकी है टीम नंबर 2 पर। वो इनकी फाइट होके हटी है। एस की टीम के प्लेयर शायद बोल रहे थे कि हंटर को खा गए, उन्होंने किल निकालने की कोशिश की यहाँ पे टीम। तो यहाँ पे मैडक्स क्रिशन ने डीएन सरदार को फिनिश कर दिया, जो अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर थे। यहाँ पे M4 चलते हैं टीम नंबर 5 के पास कि वो कैसे सपोर्ट कर रही है टीम नंबर 2। यहाँ पे एक्सट्री स्नाइपी को बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है। चलते हैं वॉल्फ ब्लड के पास। इनके पास वन किल है इस टीम के पास, निखिल का 1947 निखिल का। तो इनके क्लोज भी टीम ने और यहाँ पे सुचिल को नॉक कर दिया है MTS आर्यन ओपी ने। तो ये 2 ही प्लेयर्स बचे हैं, ये 3 प्लेयर्स हैं इनकी टीम में। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कौन सी पोजीशन देखने को मिलती है, क्या टीम नंबर 22 आगे आएगी। यहाँ पे टीम नंबर 22 आगे बढ़ती हुई वॉल्फ ब्लड को यहाँ पे बहुत डैमेज दिया आई एम नूब ने। तो यहाँ पे सुचल को रिवाइव कर दिया है, ध्रोना रोटेट कर रहे हैं साइड से। तो वहीं पे टीम नंबर 22 के प्लेयर्स आ चुके हैं। चलते हैं एक बार वॉल्फ ब्लड के पास, सुचिल। तो वॉल्फ ब्लड ने नीचे जंप कर दिया है। तो IM नूब के पास चलते हैं। तो DMX राजपूत ने C4 डेविल को नॉक किया है M24 के हेड शॉट से, उनको हेड शॉट दिया है।
चलते हैं, लेकिन व्हाइट हॉक द्रोना यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, देखते हैं कौन से प्लेयर को यहाँ पे नॉक मिलता है। सुचिल को डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन द्रोना को आसान था आई एम नूब को यहाँ पे फिनिश करना, लेकिन वो खुद फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे चलते हैं C4 डेविल की टीम के पास, तो यहाँ पे इनके क्रोना नॉक है, C4 डेविल को रिवाइव मिल चुका है, तो इनके आगे टीम नंबर 2 है जिनकी फाइट तो हमें स्क्वाड हाउस में देखने को मिली ही है। आई एम नूब ने यहाँ पे सुचल को नॉक किया है, तो वॉल्फ ब्लड यहाँ पे अकेले भी प्लेयर बचे हैं, MTS आर्यन ओपी ने इनको फिनिश कर दिया है, MK जी जी, तो यहाँ पे योद्धे बचे हैं अभी अकेले प्लेयर अपनी टीम के, तो इनके आगे टीम नंबर 10 है, लेकिन योद्धा भी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं टीम नंबर 10 की तरफ से। बाप आए को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है, तो इनकी टीम यहाँ पे बच चुकी है। चलते हैं वॉल्फ ब्लड के पास जो अकेले प्लेयर हैं अपनी टीम के, तो इनके आगे 1v2 है, देखते हैं क्या होता है। तो MTS आर्यन ओपी बहुत अच्छा सपोर्ट करके बैठे हुए हैं वॉल्फ ब्लड को, लेकिन अब ये कवर में आ चुके हैं यादा, तो यहाँ पे आर्यन को भी नॉक मिल सकता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा फॉल बैक किया है यहाँ से। तो टीम नंबर 21 और 10 के पास चलते हैं जो थोड़ा क्लोज है, तो यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ टीम नंबर 10 ने टीम नंबर 21 को, वहीं पे टीम नंबर 1 का प्लेयर है मैडक्स क्रिश्चियन जो अभी तक अकेले लूट रहे हैं, रावन सूरज ओपी। चलते हैं एक्सट्री की टीम के पास, यहाँ पे पोचिंकी में है, तो यहाँ पे वॉल्फ ब्लड को MTS ने फिनिश कर दिया है, तो वहीं पे उनकी टीम एलिमिनेट हो चुकी है MTS आर्यन ओपी की तरफ से। तो नूब को यहाँ पे 2 किल्स मिले हैं, तो सॉल ऋषि 2 को नॉक किया है उस्मान किलर ने। चलते हैं इनके पास, इनके पास कार 98 है, तो कार 98, तो इन्होंने यहाँ पे नॉक किया हुआ है टीम नंबर 21 का प्लेयर। चलते हैं टीम नंबर 21 के पास, उनका क्या रिएक्शन है। सॉल ऋषि को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, मयंक ओपी यहाँ पे शायद पता नहीं गेम छोड़ के जा चुके हैं, सॉल ऋषि खुद को हील कर रहे हैं। निंजा तो यहाँ पे निंजा भागने की कोशिश कर रहे थे शायद, तो अनुराग यहाँ पे इनके नॉक हैं, लेकिन निंजा निकल चुके हैं, इनकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया गया था। टीम नंबर 21 के अकेले पे यहाँ से भाग चुके हैं, हो आर्मी को नॉक किया है योर कर्मा ने। चलते हैं हो आर्मी के पास, तो मनीष रॉकर्स अकेले प्लेयर बचे हैं अब अपनी टीम के, ये थोड़ा सेफ है। सॉल ऋषि की 2 को यहाँ पे फिर से नॉक कर दिया है टीम नंबर, चलते हैं इनके पास, तो ये हम थोड़ा स्पीकर ऑफ रखते हैं यहाँ पे अपना, थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम इनकी गालियाँ नहीं ऑल पे यहाँ पे सुना सकते किसी को, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे ऑल का स्पीकर हमें से बंद नहीं हुआ, वही मत बोला करो यार रोल पे, किसी को गालियां देने से क्या होगा भाई, क्या होगा किसी को गालियां देने से। मनीष रॉकर्स को यहाँ पे निंजा ओपी ने फिनिश कर दिया, वहीं पे उनकी टीम एलिमिनेट हो चुकी है, जो अपनी टीम के अकेले प्लेयर थोड़ा सेफ थे लेकिन वो फिनिश हो चुके हैं टीम नंबर 11 की तरफ से। टीम नंबर 11 तो थोड़ा सा साउंड बढ़ाया, विदाउट साउंड तो हम वीडियो नहीं कर सकते, तो ये लैंग्वेज भाई लोग मत यूज करो भाई लोग, हम तो वीडियो में भी नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, हमारा जल्दी से लाइव आएगा तो उसमें बोल देंगे हम। क्या कर सकते हैं एक्सट्री स्नाइपरी। चलते हैं प्रशांत के पास जो अभी तक अलाइव हैं अपनी टीम के प्लेयर, जोन की एज पे हैं, एज टू एजेस खेल रहे हैं ये लोग,
वो प्लेयर टीम नंबर 3 का था जो भी बोल रहा था, क्योंकि वो भी फिनिश हुए हैं टीम नंबर 11 की तरफ से। कर्मा तो यहाँ पे इस टीम के पास 4 किल्स हैं, तो इस टीम की ज़्यादा फाइट तो हमने अभी तक नहीं देखी है। तो ये शायद न्यू न्यू प्लेयर हैं, अभी आज हम आए हैं इस कस्टम में देखने के लिए। तो ये सब न्यू प्लेयर, उस्मान किलर ने यहाँ पे मयंक ओपी को नॉक किया है ग्रोजा से, तो टीम नंबर 21 है इनके आगे, तो उनको पूरा फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे टीम नंबर 21 के कुछ प्लेयर्स यहाँ से फॉल बैक कर चुके थे, तो निंजा थे वो, निंजा निकल चुके हैं शायद, अपने टीम को पोजीशन दिलवाएंगे। चलते हैं रोर ओपी के पास कि ये कहाँ पे है। तो इनके आगे निंजा है, इनको आगे निंजा मिलेंगे। तो यहाँ पे यूर कर्मा ने डीएमएक्स राजपूत को नॉक किया, बहुत अच्छी फाइट हो रही है, यूर कर्मा खुद नॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे टीम नंबर 11 आ चुकी है, तो यहाँ पे देखते हैं इनकी फाइट। बिकॉज इनके यूर कर्मा अकेले प्लेयर थे जिनको यहाँ पे फिनिश कर दिया गया था, उनकी टीम यहाँ पे आई है। तो लेकिन टीम नंबर 2 की तरफ से टीम नंबर 11 एलिमिनेट हो चुकी है। भाई शांत रहो ना यार थोड़ा, क्या करें यार, बोलेंगे एक बार सबको कि ऑल पे मत बोला करो जब आप किलो हो जाते हो। तो शायद इस ये किसी और की टीम का प्लेयर लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी तक ये बोल रहा है इसकी टीम के प्लेयर्स अलाइव होंगे। एमटीएस आ रहे हैं नोपी, ये तो दोनों बाइक से जा रहे हैं जोन में। तो बाप आए नहीं, यहाँ पे जो प्रशांत को फिनिश कर दिया, जो अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर थे। निंजा यहाँ पे अपनी टीम के पोजीशन दिलवाने के लिए एक शेक में आके बैठ चुके हैं। तो सुनीता के पास चलते हैं, सुनीता अभी प्ले जोन में है, इनको जोन में निकलना चाहिए अभी तक। तो इनकी फाइट है, ओके हटी है शायद यहाँ पे, लेकिन किल कोई नहीं मिल रहा इनको, निकल गई होगी जो ओपोजिट टीम होगी, क्योंकि उनको जोन में जाना होगा पहले। तो थोड़ा वो पीछे सॉन्ग गा रहे थे, उनकी वजह से थोड़ा मैंने कम की थी वॉल्यूम साउंड की, ताकि उनकी आवाज़ हम तक ना आए। आई एम नूब ने यहाँ पे टीएच किंग को नॉक किया है, चलते हैं आई एम नूब की टीम के पास। जोई के लिए दोनों ही प्लेयर हैं अपनी टीम के, दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सिपैम को भी नॉक किया है, तो पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी है टीम नंबर 15, टीम नंबर 22 की तरफ से। तो यहाँ पे इनके पास 6 किल्स आ चुके हैं इस टीम के पास, बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों प्लेयर्स। तो यहाँ पे 5 किल्स ले चुके हैं आई एम नूव, बहुत ही अच्छे। यहाँ पे एक्सट्री स्नाइपे के पास सबसे ज़्यादा टीम किल है अपनी टीम से। तो यहाँ पे टीम नंबर 1 आ चुकी है इन पे, तो सहुराज सूरज ओपी को नॉक किया एक्सटी स्नाइपी ने बैरल से। तो डीएमएक्स राजपूत यहाँ पे गैरी को रिवाइव देखिए मिलता है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैडक्स क्रिशन को भी स्पॉट किया है, डैमेज भी दिया है स्नाइपी ने, देखते हैं ये नॉक कर पाते हैं उनको। तो यहाँ पे क्रिशन भी नॉक हो चुके हैं, तो आगे बचते हैं रावण। तो चलते हैं रावण के पास, और राजेश ओपी तो अलग ही है, तो रावण है अकेले प्लेयर अपनी टीम के यहाँ पे। तो एक्सट्री स्नाइपी को इन्होंने स्पोर्ट किया है, तो देखते हैं एक्सट्री स्नाइपी यहाँ पे 1v1 vs 3 करते हैं, इन्होंने 2 तो कर दिया है, देखते हैं 1 vs 2 करते हैं कि नहीं। यहाँ पे 1 vs 3 कर दिया है स्नाइपी ने, बहुत ही अच्छा खेला। लेकिन के गैरी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं,
तो वहीं पे डीएमएक्स राजपूत बग्गी लेके आ चुके हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं जोन में जाने के लिए। टीम नंबर वन के प्रवराज सूरज ओपी को देखते हैं, जो नौ के राजेश ओपी तो बहुत दूर हैं अपनी टीम से। तो एक्सटी स्नाइपी के पास यहाँ पे उनको इस टीम को एक किल और मिल चुकी है। तो इस अकेले प्लेयर के पास यहाँ पे 10 किल्स हैं, बहुत अच्छे किल्स हैं इस प्लेयर के पास। तो यहाँ पे निंजा है जो अपनी टीम के अकेले ही प्लेयर हैं, तो निंजा शायद यहाँ से भागेंगे, इन्होंने नेड किया एक्सट्री स्नाइपी ने। तो देखते हैं कि ये नेड फटता है कि नहीं। डीएमएक्स राजपूत कैसे नॉक हो गए यहाँ पे, तो शायद प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं वो। मम्मा हमको खाने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हम खाना बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 टीम्स अलाइव हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फाइट हुई है। तो निंजा को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, डैमेज भी दिया है निंजा को। तो स्नाइपी अब आगे जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि प्लेयर डैमेज है, वो किल भी कर सकते हैं, जबकि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी किल्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे निंजा को एक और किल, निंजा का किल मिल जाता है एक्सट्री स्नाइपी को। यहाँ पे एक और किल मिल चुका है, इनके पास 11 किल्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे किल्स हैं इस प्लेयर के पास। और ओपी भी जोन में आ चुके हैं, जो अपनी टीम की पोजीशन निकाल रहे हैं। तो इनके पास यहाँ पे 3 किल्स हैं, 1v3 इनकी तरफ से भी हुआ है और एक्सट्री स्नाइपी की तरफ से भी। तो चलते हैं टीम नंबर 10 के पास, सोएब अख्तर बापाए, उस्मान किलर, कैविन कैवी। यहाँ पे टीम नंबर 22 को इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। तो वहीं पे इनके लेफ्ट में टीम नंबर 12 का प्लेयर है, जो अकेला ही है। चलते हैं सुनीता के पास, वो जोन में जा रहे हैं अभी। तो इनके पास फिलहाल 0 किल है, लेकिन इनकी पोजीशन 7 है टॉप पे रिजल्ट में। इनके जो हमारा रिजल्ट होता है, ये उसमें अपनी पोजीशन को ला चुके हैं। तो डीएमएक्स राजपूत यहाँ पे जोन में आए हैं बग्गी लेके। तो देखते हैं यहाँ पे डीएमएक्स राजपूत को आई एम नूब ने का बग्गी से उतार लिया। तो वहीं पे एक्सट्री स्नाइपी भी है, तो देखते हैं एक्सट्री स्नाइपी बच पाते। तो यहाँ पे आर्या ओपी ने उनको फिनिश कर दिया, लेकिन लगा नहीं था कि उनको शॉट्स लगे होंगे यहाँ पे। तो लेकिन यहीं पे इस टीम के पास 8 किल्स आ चुके हैं। आई एम नूब, यहाँ पे सिर्फ 6 टीम्स बची है हमारे पास। तो 1v4, 2v4 देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे टीम नंबर 10 पूरी की पूरी अलाइव है 6 किल्स के साथ। तो आर्य को यहाँ पे हेडशॉट दिया गया था 98 से, लेकिन उनको 2 बार शॉट दिया गया लेकिन नॉक नहीं हो पाए वो, उनको डैमेज बहुत मिला है, लेकिन उनकी हेल्थ फिर भी बहुत ठीक है। तो यहाँ पे टीम नंबर 12 के प्लेयर ने यहाँ पे नेड किया है टीम नंबर 10 पे, इनकी हेल्थ को डाउन किया है। बाप आई की हेल्थ कितनी कम है। तो यहाँ पे बाप आई को एसजी रोर ओपी ने नेड से नॉक कर दिया है। चलते हैं रोर ओपी के पास, तो उस्मान किलर को भी नॉक कर दिया है। तो यहाँ पे कैवी को भी नॉक कर चुके हैं। तो ये तो यहाँ पे सोएब अख्तर है अपनी टीम के प्लेयर, जो अकेले ही है अपनी टीम के, अकेले ही प्लेयर है। कहीं पीछे से थर्ड पार्टी करती हुई सोएब को भी एलिमिनेट कर दिया है। तो बहुत अच्छा खेले हैं ये टीम। रोर ओपी के पास यहाँ पे 7 किल्स आ चुके हैं, 1v4। तो यहाँ पे प्रोन हो के इन्होंने कर दिया है, तो उनको उनकी टीम को पता ही नहीं चला कि हमें कहाँ से फायर आ रहा है। तो दूसरी साइड जा रहे थे, तो टीम नंबर 21 और टीम नंबर 1 का प्लेयर उन पे शॉट्स ले रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ रोर ओपी ने जो नॉक किए थे वो किसी ने किल छुड़ाई नहीं, इनको किल मिल गई उनकी। बहुत अच्छे किल्स निकाले हैं रो रोपी ने भी आज सुनीता। तो यहाँ पे ओम है इनके पास,
लेकिन शायद इन्होंने चलाई नहीं होगी अभी भी अभी तक। यहाँ पे जोन बन चुका है टीम नंबर 24 और टीम नंबर 22 पर, 2 vs 2 है टीम नंबर 24 और टीम नंबर 22 के बीच। तो सुनीता को ये स्पोर्ट कर सकते हैं MTS आर्यन OP, तो देखते हैं इनको, तो सभी टीम्स को देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो टीम नंबर 22 और टीम नंबर 24 बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, थोड़ा इनको थोड़ा रिच और गाड़ी का कवर है, तो देखते हैं इनकी फाइट कैसी होती है। यहाँ पे बाकी सब प्लेयर 1 vs 2 होगा अगर इनमें आगे दो प्लेयर बचते हैं टीम नंबर 22 और टीम नंबर 24 के, तो बाकी सब तो अकेले ही प्लेयर हैं अपनी अपनी टीम के। टीम नंबर 24 के पास चलते हैं बाबूराव, लेकिन एक्सट्री स्नाइपी ने बहुत अच्छी किल। तो यहाँ पे ये शैक में बैठे हुए हैं, वाओ। तो इनके पास, इसकी टीम के पास एक ही किल है, वो जो इसकी टीम का है वलक MTS RAOP। तो शायद इन्होंने सुनीता को सपोर्ट किया हुआ है कहीं, सुनीता यहाँ पे। तो यहाँ पे सुनीता ने स्कारल से आर्यन OP को यहाँ पे नॉक कर दिया, तो फिनिश भी हो चुके हैं ये। तो IM नूब अभी अकेले ही प्लेयर बचे हैं अपने टीम के। तो यहाँ यहीं पे सुनीता 9906 के पास 1 किल आ चुका है। इनको इन्होंने स्मोक किया, शायद लूटेंगे के जोन में जाने के लिए स्मोक्स कर रहे हैं जी, शायद इनको जोन में निकलना है क्योंकि पीछे से जोन आ चुका है, तो इसलिए तो कहीं ये जोन में एलिमिनेट ना हो जाए। हील बैटल करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है अभी, तो गन छोड़ के भागना चाहिए था इनको। देखते हैं यहाँ पे जब बच पाते हैं, लेकिन जोन बहुत दूर है, थोड़ा आगे यहीं पे सुनीता प्ले जोन से एलिमिनेट हो जाते हैं। IM नूब तो यहाँ पे जोन में आ चुके हैं, राजेश OP। तो यहाँ पे टीम नंबर 24 बहुत सेफली बैठी हुई, अगर किसी ने एक नेट कर दिया तो दोनों प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। तो राज रोर OP के पास चलते हैं एक बार, राजेश OP को भी देखते हैं। तो राजेश OP की फाइट हो चुकी है IM नूब से, तो नूब ने यहाँ पे उनको फिनिश कर दिया है, तो वो हील कर रहे हैं खुद को। चलते हैं रोर OP के पास, तो रोर OP को नेट करना चाहिए वहां पे, देखते हैं ये क्या करते हैं। तो यहाँ पे 1 vs 1 vs 2 भी है, 1 vs 1 भी है। नू यहाँ पे आगे आके प्रोन हो चुके हैं, तो पीछे से रोर OP ने शॉट्स लिए थे प्री फायर में, उनको नॉक करने की कोशिश की, लेकिन नूब ने वहीं पे यहाँ पे रोर OP ने नूब को फिनिश कर दिया है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये प्लेयर आज, क्या फाइट हो रही है, 1 vs आ रहे हैं ये कब से, लिप वोपका से ये यहाँ तक 1 अकेले ही प्लेयर आए हैं लास्ट तक। यहाँ पे इनके आगे 1 vs 2 है, तो देखते हैं ये क्या करते हैं, लेकिन कोई भी प्लेयर यहाँ पे ओपन में प्रॉन नहीं हुआ है। इनके दोनों प्लेयर शैक में है टीम नंबर 24 के, लेकिन इनको जोन में निकलना होगा। देखते हैं SG रोर OP क्या करते हैं। तो यहाँ पे बाबू राव को नॉक कर दिया, एकलव्य बचते हैं अपनी टीम के अकेले प्लेयर, तो इन्होंने स्पोर्ट कर लिया एकलव्य को भी, तो यहाँ पे बहुत सारा डैमेज मिला है उनको। तो इन्होंने नेड निकाला है, शायद फिनिश हो जाएंगे एकलव्य वहां पे, देखते हैं। तो भाग रहे हैं वो 1947, एकलव्य को यहाँ पे फिनिश कर दिया है रोर OP ने यहाँ पे एंड तक अकेले प्लेयर ने चिकन डिनर निकाला है, वो भी 10 किल्स के साथ, बहुत अच्छा खेला है ये प्लेयर। तो आज का हमारा विनर विनर चिकन डिनर निकाल चुकी है SG की टीम, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, आज हम इंस्टा पे भी डालेंगे, बहुत दिन हो गए वीडियो और कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाला है। तो बात करते हैं विनर टीम के किल्स की, तो अल्फा ब्लेज OP के पास 1 किल है, बिकॉज वो जल्दी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके, फिनिश हो चुके थे। तो इनकी टीम के SG रोर OP अकेले प्लेयर लास्ट तक आए हैं, वो भी 10 किल्स किए हैं उन्होंने, पूरे 64 प्लेयर में से 10 किल्स निकाले हैं इन्होंने, बहुत अच्छा खेले हैं ये। आगे चलते हैं टीम नंबर 2 के पास, एकलव्य की टीम 1947 की टीम यहाँ पे थोड़ा सेफ खेली है जी, है तो एक ही टीम है, एस की टीम में आज 2 प्लेयर आ चुके थे, लेकिन इसकी टीम अलग है, 1947 की टीम थोड़ी अलग है इनसे।
इनके प्लेयर इनकी टीम में आ रहे हैं एक दूसरे के साथ खेलने, बहुत अच्छा था। लेकिन इनको साथ में खेलना चाहिए था तो बहुत अच्छा, आगे जाते ही बहुत अच्छे किल्स के साथ। तो लेकिन थोड़ा सेफ थे, 1947 की टीम, तो एस की टीम ही वहीं पे पहुंची कि मैं एलिमिनेट हो चुकी थी। तो इनके पास, वलेक के पास सिर्फ एक किल है, बाकी सब प्लेयर्स के पास 0 किल है। लेकिन इनकी पोजीशन अच्छी आती है, सेकंड पोजीशन 1947 की टीम की तरफ से। तो आगे चलते हैं टीम नंबर 3 के पास, 1947 निखिल। तो ये थ्री टीम नंबर 3 में आ चुके थे आज, तो इनके पास 0 किल है। यहाँ पे इनकी पोजीशन 3 आई है, तो ये दूसरी टीम में आ चुके थे आज अपनी टीम को छोड़ के शायद गलती से। आई एम नूब भी अच्छा खेले हैं यहाँ पे, तो 7 किल्स आई एम नूब के पास। एम टी एस आर्यन ओपी के पास 2 किल्स हैं, तो इनकी पोजीशन यहाँ पे आती है थर्ड। तो आगे बात करते हैं हम किल्स की, किस किस प्लेयर ने कितने कितने किल्स निकाले हैं, बिकॉज हमें आगे अभी जब हम नाम अनाउंस करेंगे तो बहुत अच्छे किल्स मिलेंगे हमें। तो चलते हैं मैडक्स क्रिशन के पास, इनके पास 2 किल्स हैं, और सुनीता के पास 9906 के पास यहाँ पे 1 किल है। ये जोन से एलिमिनेट हो गए, लेकिन इनकी पोजीशन यहाँ पे 1 vs 4 में बहुत आगे आई है, 5th पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन निकाली है इन्होंने। तो उस्मान किलर के पास 1 किल है, कैवी के पास 2 किल्स हैं, बाप आई के पास 3 किल्स हैं, और एक्सटी स्नाइपी के पास भी बहुत अच्छे किल्स हैं, 11 किल्स हैं। लेकिन इनको आई एम नूब और एम टी एस आर ए ओ पी ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था दोनों प्लेयर को, डीएमएक्स राज एक्सट्री स्नाइपी को, बिकॉज ये बग्गी से जा रहे थे जोन में आने के लिए, इन्होंने थोड़ी सी देर कर दी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। डीएमएक्स राजपूत के पास 3 किल्स हैं, एक्सट्री गैरी के पास 5 किल्स हैं, एक्सट्री हंटर के पास 1 किल है। तो आगे यूर कर्मा के पास 2 किल्स हैं, निंजा ओपी के पास भी 2 किल्स हैं, आवेन के पास 1 किल है, और हो आर्मी के पास 1 किल है, व्हाइट हॉक द्रोना के पास 1 किल है। तो टीम सीपीडी फेस ओपी के पास 2 किल्स हैं, आरबी हंटर के पास भी 2 किल्स हैं। तो आगे है वैनम मिरारू मिरू, वैनम मिरू है इनका नाम। तो इनके पास 1 किल है, तो यहीं पे अच्छे अच्छे किल्स हैं बहुत सारे प्लेयर्स के पास, बहुत सारे 0 किल्स पे एलिमिनेट हुए। कोई बात नहीं, ये होता रहता है, लेकिन पोजीशन सच अच्छी निकाली है बहुत सारे प्लेयर्स ने 1 vs 4 में। इतना आगे आया, अगर उनकी टीम भी पहले एलिमिनेट हो गई थी, वो अकेले प्लेयर लास्ट तक बचे रहे और अच्छे किल्स के साथ आगे आए हैं। तो हम डेली अब वीडियो लेके आएंगे, तो प्लीज़ जो पीएमसीओ नहीं खेल रहा है वो आ जाया करो टाइम पे। 8 o'clock हम स्टार्ट कर देंगे और 7:45 पे आईडी देंगे। तो यहीं पे आज हमारा रूम होता है फिनिश, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय बाय।